साथ झगड़ो, छोड़ दो रे उसको खुला, झगड़ो उसको तेज के साथ में, आग लगाओ उसके अंदर तेज के साथ में, बंधो उसको जंजीरों से तेज के साथ में। झगड़ लो उसको और तेज से। झगड़ो उसको और तेज से, आग लगाओ उसके अंदर तेज के साथ में। लाओ और तेजी से जंजीर ला के उसको तेज के साथ झगड़ो और उसके अंदर आग लगाओ। इतर वो लो दम करा के नाक में लगाओ, इतर उसके खांदे पे नाक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक एक उंगली से दोनों नाक में लगा। दोनों खांदे को लगाओ उसके अंदर तेज के साथ में। छोड़ो, हट जाओ उसको, छोड़ो, झगड़ो उसको तेज के साथ में, झगड़ो, मारो उसको, चाप के मार के आ लगाओ उसके अंदर तेज से, बीच में लो उसको, मैदान में आ लगा के उसके अंदर والله
कब मारो बोले थे उसको? अम्मास में, पुन्नम में, अम्मास में। कैसा मारो बोले थे? बीमारी डाल के, एक्सीडेंट करके, जहर डाल को। तू कौन होती उसकी? तू जादू कर रही क्या? तेरे को शमशान से पकड़ के लाए क्या? खबरस्तान से लाए? नहीं। जादू चला तो क्या ले गए थे? उसका कपड़ा, मट्टी, चप्पल क्या लिए थे? बाल, उसका बाल। औरत लग गई थी? अपनी लग गया था? औरत उसकी माँ के तरफ की, बाप के तरफ की, किधर की रिश्तेदार है? पति के तरफ। शादी हुई क्या उसकी? ससुराल के तरफ की, माँ के तरफ की, बाप की तरफ की, किधर की है वो? किधर की? हाँ, किधर की है वो? किधर की औरत है वो? नहीं बोलूंगी। ठीक है, चलाओ जितने जितने मारो उसको, और मारो, मारो उसको, और मारो नाला से। बोलो उसके हाथों, खींचो कैसे? खींचो उसके हाथों को, और कैसे? आया यार, कौन है? बोलते हो? कौन है? बोलते हो? कौन? हाँ, कौन है वो? तीन साले मिलकर करे सो है। तीन जनों मिलकर करे सो है? कौन कौन है? नाम तीन महीने के बाद खोलूंगी। नहीं नहीं, अब भी खोलना पड़ेगा। नहीं खोलूंगी।
बता जल्दी नाम। नहीं बोलूंगी। बोलना तो पड़ेगा, तुझे फिर हाथ काट देता मैं, अभी खत्म कर देता। नहीं बोलूंगी। जकड़ो उसके हाथ को, फिराओ उसके हाथ को तेज एक साथ में। बोलना तो पड़ेगा तुझे, और उसके बाल के साथ में और क्या लेकर जादू चलाने को। हाँ कपड़ा, काहे का कपड़ा, शर्ट का, पैंट का? शर्ट का। कौन से कलर का था वो? लाल कलर का। कितना टाइम हो रहा ली जाके? कितना टाइम हो रहा? कितना वक्त हुआ? नहीं बोलूंगी। जलाओ 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 एक साथ में। तीन महीने के बाद खोलूंगी मैं। नहीं नहीं अभी बोलना पड़ता नहीं तो अभी काट देता मैं अभी थोड़ी देर में। नहीं हाँ दिखला रहे क्या हमारा नाम बताएंगे उन्हें? काट के थोड़े टुकड़े करता हूँ अभी। जल्दी बोल चलाओ कुत्ते से, पकड़ो उसके हाथों कुत्ते से साथ में। बता नाम बता। कौन है वो तीन जनो? कौन है वो तीन? बोलती हूँ। उसके माँ के तरफ के, बाप के तरफ के, ससुराल के तरफ के, किधर के? ससुराल के तरफ से। औरता है आदमी है? औरता है हम तीन। नाम नाम? सुरेखा। हाँ रंजना। हाँ कमला। हाँ जादू कहाँ से करे, शमशान से करे क्या कब्रस्तान से, क्या खुद ही जादू चलाए कहाँ से? हाँ मंदिर को मांग लिए थे। हाँ क्या बोल के इसकी जान होना? दुश्मनी क्या थी? दुश्मनी क्या थी? बोलती हूँ जल्द पूरा जला दूंगा मैं। जकड़ो उसको तेज के साथ में, जकड़ो आग लगा उसके अंदर। मैं बोलती हूँ। हाँ बता जल्दी बता। छोड़ो नहीं छोड़ते जब तक नहीं बोलूंगा कमबख्त। जलाओ उसको तेज से। मेरे बच्चे को शादी करती है। हाँ मेरे घर में आकर रहती है। हाँ मेरा बच्चे को भगा को लेकर जाती है। हाँ उसको आस्ते करे सो। अच्छा इसको कहीं में मिला के खिलाए फिर दवा? किस चीज में? दाल चावल में। अच्छा कब खिलाए थे? उसके खुद के घर पे बुला के, तुम्हारे घर पे बुला के खिलाए? मेरे घर पे। कब बुलाए थे? कितना टाइम हो खिला के? मेरे घर पे तीन साल। तीन साल। किसके घर पे? क्या नाम घरवाली का? मेरा क्या घर? कमला का। कमला के घर पे? ठीक है जकड़ लो उसको। और देखा और किस किस पे जादू करे उसके घर में? उन्होंने मिलना। इसका क्या नाम है पेशेंट का? उन्होंने मिलना। सोड़ना सोरना सोरना के माँ बाप पे भी जादू करे क्या? नहीं। बहन भाइयों पे? नहीं। मर्द पे? नहीं। बच्चों पे? नहीं। बच्चे है क्या? इन्हू छोड़ को जाना। अच्छा सोरना मर जाना बोल के करे सो? मेरा बच्चे को फंसाती है ना। हाँ इस पे जादू करके कितना टाइम हो रहा? सोरना पे कितना टाइम हो रहा? रात को 12 बजे करे। कितने दिन पहले? कितने महीने? कितने साल? तीन साल हो रही है। तीन साल हो रही है। तीन साल। अब इसको मारने का कब था? अमास में, पूनम में? पूनम में। अच्छा कैसा मारने का था? बीमारी डाल के, सुसाइड करा के, एक्सीडेंट करा के? इसको घुट घुट को। हाँ कैसा? घुट घुट को मारने, घुटा घुटा के मारने का था उसको। गुस्से में आती थी मैं तुम्हारा वीडियो देखता था बहुत पहले से। देखते वीडियो तुम्हारा वीडियो अगर इसके सामने लगा तो गुस्से में आती थी। खाली वीडियो देखे तो अब ये जो दास्तान है देख लेना है। तीन जनों ने करा इसको खेले करनी कौडाला करा के खिला के आंग में
छोड़ के उसको नम्मी के कब बोला ना अंदर कुछ तो पर्दा मारने वाले और दूसरी बात कुछ तो भी तुम्हारे क्या आपस रंजिश है क्या चल रही थी क्या मतलब आपस झगड़े की वजह से तुम्हारे फोन को नामा निकले ना। और दूसरी बात इससे पहले नामा बोला क्या उन्हें नहीं बुलाया नामा नहीं बोलती उसको मार पड़ी ना उसके बाद बताया नाम उनसे खैर दुआ का पानी पिलाऊंगी चांगा पानी वो पानी दो कौन सा इधर कितने साल से परेशान हो रहा था ये सब एक ही घर के क्या अलग 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 गाड़ी में आई ये चार पांच महीने से बहुत परेशान कर रहे थे मैं जैसा देंगे कर बोलिया कोशिश कर रहा आने की वो कुछ तो कुछ बहाने हो रहे थे कल क्या के मैं तो उनको दिल खर्च करके आ तू मल्ला मड़ा करके ला जाए मैं गाँव को आया तो समझ गया टेंशन गया ये तो दास्तानी खिला के सबके छोड़ा डाला ये खैर चले जल्दी तोबा कर उठ के दोबारा करना है उसके ऊपर जादू टोना सारी दवा उल्टिया जुलाब में सब निकाल के फेंकना बाहर उतारे के अंदर इसकी सारी शक्ति खत्म करो जितनी भी इसकी शक्ति उतारे के अंदर सब जला जला के नष्ट कराओ तेजी से उसको मार मार के भस्म करो वापिस भाग अब दोबारा दिखना नहीं मेरे को नहीं आऊंगी तोबा कर जोर से नहीं आऊंगी तोबा कर तोबा जोर से तोबा नहीं आऊंगी सुनने नहीं आ रहा करते लोग जोर से नहीं आऊंगी जोर से नहीं आऊंगी नाक रगड़ के तोबा कर तोबा मैं नहीं आऊंगी आएंगी दोबारा जरूर करेंगे जादू टोने नहीं बस जला मत जा रहे हो हाँ एक मौका दिए तुझे छोड़ के जा जा निकल चल रहे कैमरे वाले करके ये जो पानी है सुबह शाम दो तीन टाइम उनपे मारते रहना उनके ऐसे स्प्रे आंग पे वो सब तरफ बढ़ाते रहना मारते रहना और ये दूसरा पानी दुआ का है बढ़ाते रहना पिलाते रहना वो जो भी बला है वो आई और आकर उसने ऐसा कही कि कुछ आपस से रंजिश है क्या है बयान उसके अंदर वो इससे पहले तो नाम नहीं बोला बोलते इस आंग पे कितने महीने से हाजिर हो रहा हूँ चार पाँच महीने से बहुत हाजिर हो रहा तीन साल से बोल रहा था टोटल जादू टोना करे और दूसरी बात वो करियाले क्या क्या दास्तान है वो तो सब आए सामने लेकिन सबसे अहम बात तो मैं सब तुम्हारे भी सब बातों का भी सब चीज़ों का कंक्लूजन ये बताऊंगा निचोड़ की इबादत के रस्सी को मजबूती से थामना कुरान हदीस दुआएं ये सब चीज़ें तुम याद रखेंगे तो तुम महफूज एकदम महफूज रहेंगे और अल्लाह जब इबादत के ठान लेता तो फिर ऐसे कोई चीज़ों की कोई औकात नहीं क्योंकि सारे मखलूक हर चीज़ सातों ज़मीन आसमान गैलेक्सी चाँद सूरज सितारे जानदार बेजान हर चीज़ अल्लाह के हुक्म के गुलाम है और तुम जब अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द करोगे इबादत में लगाओगे ज़्यादा से ज़्यादा तो फिर ये कोई जादू टोने की हैसियत नहीं कोई औकात नहीं तुम पर चल जाए और तुमको परेशान कर सके तो इसलिए बेहतर है कि हर चीज़ की दुआएं भी याद करना खाने की दुआ बाहर जाने की दुआ सफ़र की दुआ हर वो चीज़ की दुआ तुम्हारे को बता दिया हर वो चीज़ की दुआ दिया अल्लाह ने तुम्हारे पर कितना एहसान करा मगर बेवकूफ़ और जाहिल लोगों तुम आईदी और लेजी हो गए वाले तुम वो छोड़ दे रहे इबादत की राह और टीवियाँ मोबाइल गाने पिक्चर सब याद हो जाते तुम्हारे घर में तुम्हारे टीवी पे केबल का रिचार्ज होना मोबाइल के अंदर वाईफाई का वाई का इंटरनेट का वो भी रिचार्ज होना तुम्हारे 4G होना 5G होना और मगर इबादत कुरान हदीस ये नहीं होना तुम्हारे याद करने नहीं आ रहा बेशर्मो याद करो ज़्यादा से ज़्यादा तुम याद करेंगे तो तुम महफूज रहेंगे जो ना मांगे सीख वो दर दर मांगे भीख तुम अगर ये सब बातों से अमल करेंगे और जादू टोना कैसा नहीं है है देखो ना प्रैक्टिकल में देखो दुनिया में क्या नहीं है और कैसा नहीं है हम ये बात को मानते नहीं हम जादू को मानते नहीं जादू से कोई मरता सो हम वो बातों को भी नहीं मानते जादू से कोई मरता या जादू से किसकी मुद्दत बन देते या जादू से हर वो चीज़ होती बोल के तल्ला ने फरमा दिया ना कि जादू टोना खराब है उसके नज़दीक में जाओ उसी को मत हारो को मारो अपने दुनिया में आए और आकर सब कुछ जादू टोना सिखा दिए वो सब वाकया है पढ़ो ना तुम पढ़ेंगे तो तुमको पता चलेगा फिर उसके बाद में कुरान में कहाँ कैसा कैसा जादू का जिक्र आया वाला वो भी पढ़ो
तुमको कुरान के अंदर तुम्हारा पूरी तशरीह और पूरी तफसील में नहीं बताया जाता। जैसा कि जादू बोल दिया तुम्हारा को, ठीक है, जादू के अंदर करोड़ों पार्ट्स बटते, उसके करोड़ों फांटे फूटते, करोड़ों थ्योरी उसके अंदर कितने क्या है वो, फिर तुम रिसर्च करो उस पर और तुमको पता चलेगा। मगर बता तो दिया ना तुमको मेन टॉपिक, जैसा कि तुमको बता दिया कि दरख्त को कितने फांटे है और कितने फांटों को कितने पत्ते फूटे आले, कितने टहनियां लगे आले, कितने फूले, वो तुम्हारा काम है। तो चेक तुम्हारा ऐसा थोड़ी बताएंगे कि एक दरख्त है उसको इतने टहनी है, इतने पत्ते है, इतने फूल है, इतना बताने को टाइम लगता ना। तो तुम्हारा इन शॉर्ट में मुख्य सर मेन टॉपिक बता दिया, उस हिसाब से तुम थ्योरी को जानो उसे क्या क्या है, कैसा कैसा पता। मगर ये सबसे ये सबके ऊपर काबिज, ये सबके ऊपर ताकतवर है अल्लाह का कलाम। इसलिए इबादत की रस्सी को मजबूती से थामो, दुआएं हदीसें याद करना और दुआ तुम्हारा हथियार है। और दुआ हिंदू मुसलमान हर कोई याद कर सकता, खाने की दुआ, चलने की दुआ, फिरने की दुआ, सबके लिए जो करा लेना, ये तुम्हें पढ़ेंगे तो तुम महफूज रहेंगे। आयतल कुर्सी तो सब याद कर सकते, तुम आयतल कुर्सी याद करोगे या देख कर पढ़ोगे या कैसा भी, तुम महफूज रहेंगे सब चीजों से। तुम चार खुल तुम नेट से भी देख के याद कर सकते, हर कोई याद कर सकता, हर जबान में तुम ये सब चीजें पढ़ेंगे तो तुम महफूज रहेंगे। वरना ये चीजें तुम पर मुसल्लत हो जाएंगी, तुम पर जादू चल जाएगा, उसके बाद हटाने में तुमको बहुत दिक्कतें लाता। क्यों लाता? क्योंकि एक तो तुम्हारा ओरिजिनल हटाने वाला मिलता नहीं, और जो मिलगा उस तक उन्हें जाने देता नहीं, तुम्हारे बीच में अड़थड़े डालता, कुछ भी करता, अपना नहीं करता, वहां तक तुम्हारे दिल को जाने नहीं देता, रुजू होने नहीं देता, उधर से भगा देता तुम्हारा, दूसरे तरफ लेके जाता, दिमाग भटका के, दिमाग में वसवसे से डालता, दिल और दिमाग को बहुत तेजी से कंट्रोल में लेते जिन्नात और शैतानी लोगों की खास बात है कि तुम्हारे दिमाग पर उन्होंने बैठ के चला दे कंट्रोल लेके, फिर तुम्हारे को फिर पीस देते हो। जब तक तुमको पता चलता जादू टोना है या कुछ लगा, जब तक पूरा बर्बाद कर देते और खत्म कर देते। और जादूगर के पास नहीं जाना, जादूगर और ये इलाज वाले क्या करते, बर्बाद कर देते। आता तो कुछ नहीं उनको, मगर तुमसे पैसे लेते, उल्टा तुम्हारे पे उल्टे टिल्टे करके तुम्हारा पूरा बर्बाद कर देते, चारों तरफ से तबाही लगा देते। जादू से नहीं कटता, जादू सिर्फ अल्लाह के कलाम से ही कटता, क्योंकि रहमत जहां बरसती, रहमत और अजमत वहां जख्म भरता, और जहां जख्म होता तो वहां जहमत है, या जहमत शैतान दे सकता। रहमत और अजमत शैतान के पास नहीं है और शैतान के साथियों के पास भी नहीं, रहमत और अजमत अल्लाह के पास में और अल्लाह वालों के हाथ से अल्लाह देता, कलाम इलाही से पहुंचाता। तो इसलिए तुम अगर रहमत और अजमत की तरफ जाओगे तो तुम ये सब वबाओं से मुबतला, जो वबाओं में मुबतला ये सब हटके तुम फैज पाओगे और तुमको राहत मिल जाएंगी, उससे नजात मिलेंगी। और तुम जादूगरों के पटरी पर भागेंगे तो उनके पास में मलहम ही नहीं है, जख्म दे सकते हो सम एग्जाम्पल, एक मिसाल, अगर छुरी से कोई भी काट सकता किसको भी, टाके मारना सबको नहीं आता, टाके मारने के लिए डॉक्टर के पास ही जाना पड़ता ना, वैसी बात है। जादूगर के साथियां सब है, सब तुम्हारा गुजाहमत दे सकते मगर उसको टाके नहीं मार सकते, वो मारने की जात अल्लाह की, और अल्लाह ने चुनिंदा अपने बंदों के हाथ से फैज पहुंचाता। तो ये सब बातें याद रखो, ये सब बातें जहन नशीन करो, अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक दे। और बार बार मैं एक बात बताता कि अल्लाह इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कुरान में फरमाया अल्लाह ने वलियों के बारे में, उसके बाद में हदीस खुदूस में फरमाया अल्लाह ने कि वलियों को, बुजुर्गान दीन को, अल्लाह वालों को तुम बुरा नहीं बोल सकते, अल्लाह वालों को अगर तुम बुरा बोलेंगे तो तुम्हारा खुला दुश्मन हो जाएगा, अल्लाह ने फरमा दिया, खुला दुश्मन है तुम्हारा अल्लाह, और अल्लाह तुमसे जंग का ऐलान करता, बोल दिया अल्लाह ने। तो फिर तुम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे बचने के लिए? सोचते बुजुर्गान दीन को कभी बुरा नहीं बोलना अल्लाह वालों को, बोले अल्लाह कि उनके एक लम्हा अल्लाह वालों के सोबत में बैठना, खाली एक लम्हा 60 साल की इबादत का सवाब है, बोले अल्लाह। और जादूगर के पास एक लम्हा जाके अगर बैठेंगे ना तो 60 साल की इबादत भी फिर रद्द हो जाएगी ना। ये सब बातों पे अमल करो, और एक बात याद रखना, बुजुर्गान दीन को और अल्लाह वालों को अगर तुम्हारी जबान बुरा बोल रही है और तुम्हारे दिल में बुरे ख्याल आ रहे हैं उनके वास्ते, तो समझ जाना तुम्हारा दिल और दिमाग किसी के कंट्रोल में, कोई जिन्नात और कोई शैतान बुरी शक्ति के, क्योंकि उनको सिर्फ वही जबान बुरा बोलती कि जिसके दिल और दिमाग में शैतान बहुत ज्यादा हावी होकर या जिन्नात घुसकर बैठा है उन्हें बुरा बोलता, बाकी उनको कोई बुरा नहीं बोलते। ये सब बातों पर अमल करो, कहीं सुनने से ज्यादा अल्लाह से अमल करने की तौफीक। कहाँ से आए थे? बसों बल्ला। अच्छा चलो।